तो भैया जी राशिद भी और आज चले गए हैं जम्मू, तो उसके घर पे कुछ काम था, वहीं जा रहा हूँ अभी मैं। चलो चलते हैं यार, वो जम्मू गया शोएब भी उसके साथ गया, उसको काम था थोड़ा। मैं चल तू जा, मैं देख लूंगा यार। तो अभी हम आ चुके हैं स्टोर में टाइल लेने के लिए, तो 8 डब्बे कम पड़ गए थे, राशिद भैया बोल रहा जाके लेके आया यार। मैं चल टेंशन नहीं ले, हम लेके आते हैं। तो अभी यहाँ पे इफ्तारी की पूरी प्लानिंग चल रही है। हाँ अब ठीक है, तो आज हम घर पे ही इफ्तारी करेंगे, बाहर बारिश हो रही है, इस वजह से हम नहीं गए मस्जिद में। तो वहाँ कुछ सीधा इफ्तारी के टाइम पे मिलते हैं। तो यहाँ पे अब बस इफ्तारी का टाइम आ चुका है, लगभग 5 या 6 मिनट रह गए हैं, फिर करेंगे। तो आज खाने में है आलू की सब्जी, चिकन, बीन्स, चटनी और विद फुलका। लस्सी नहीं आज। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसा सब, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम सेट होंगे। तो हम भी आपकी दुआ से एकदम बढ़िया ठीक ठाक है। तो सैरी कर लिया, मैं आज बहुत ज़्यादा लेट उठा था, लगभग 15 मिनट रह गए थे फिर उठा, तो मैंने सैरी कर ली। तो चाय पी थी मैंने सिर्फ, बस और कुछ नहीं खाया, चावल वावल मेरे से खाए नहीं जाते, मैंने बताया पहले आपको। तो वज़ू कर लिया, पढ़ते हैं सीधा नमाज। तो बाकी सुबह उतने जल्दी कोई काम नहीं होगा, सुबह आराम से उठेंगे, फिर देखेंगे दिन को मार्केट जाना है, मम्मा भी आ चलेंगे मेरे साथ, मम्मा को काम है थोड़ा सा, बाकी आपको दिन को मिले ठीक है। पहले नमाज पढ़ लेते हैं, चलो। much later. तो अभी आ रहा है अंकित, कॉलेज से आ रहा है, उसको मैंने कॉल की 2-3 बार, परसों भी शायद की थी, मेरे को लगा था घर पे होगा फ्री, लेकिन उसके कॉलेज लगते हैं, अभी कॉलेज से बाहर निकला, बोलता है मैं आ रहा हूँ घर पे दोबारा। तो बाकी मेरे को पता है कल से कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, कल वही सीन हो गया था स्कैम, तो उसके बाद कुछ बनाया नहीं। तो बाकी अकेला होता हूँ यार, साथ में होता भी नहीं है कोई, राशिद भी और चले गए जम्मू। तो आते हैं अंकित, मिलते हैं उससे यार, फिर देखते हैं क्या होगा। तो आज लगभग अंकित हमें 10 से 15 दिन बाद मिल रहा है, आज तो हमें वोल्टेज पूरी मेरे पे मारी जाए, हेलमेट भी उतार लिया गया है। तो गाइस बात ऐसी है कि बहुत दिनों के बाद में इसको मिला हूं। तो गाइस अभी समीर और मैं जा रहे हैं, इसका रोजा था, इसने मुझे कहा प्लीज यार मेरे को थोड़ा घुमा दे, मैं बड़ी देर से घूमा नहीं हूँ, मैंने कहा चलो यार 15 दिन के बाद चलो, आ तो गया ना, दैट मैटर्स। ये लो समीर भाई। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है आज पार्क, आज हम बहुत टाइम बाद यहाँ पे आए हैं, लगभग आज तो 10-15 दिन बाद तो ये मेरे को मिला। हाँ बोल, क्या चाहिए? मम्मा पापा क्या करते हैं? मम्मा पापा ही लेबर का काम करते हैं। लेबर का काम कहाँ पे? यूपी में। तो आप दोनों यहाँ पे अकेले हो? नहीं, नानी के घर मिलने आए थे। नानी का घर कहाँ पे है? यहीं पर है। अच्छा, तो वापस आ चुके हैं अंकित के साथ से यार, पता नहीं व्लॉग बनाने में कुछ इंटरेस्ट सा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद व्यूज़ नहीं आ रहे उसके वजह से या कुछ और है उसकी वजह से। 4 दिन से सब्सक्राइबर रुके पड़े हैं, अभी तक मेरे 76 सब्सक्राइबर होते, 576, लेकिन कम होते जा रहे हैं, पता नहीं एक एक वीडियो पर एक एक सब्सक्राइबर कम हो रहा है, तो 572 हो गए शायद। चलो देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं यार। चलो अभी चलते हैं मस्जिद में, जब इंसान को सुकून ना मिले तो इंसान को मस्जिद में निकल जाना चाहिए, तो उसके बाद हम कहीं और बाहर चलेंगे, सोच रहा हूँ दरिया वाली साइड चलेंगे, हनान आया, हनान को भी साथ लेके जाएंगे। तो ये अपने टीम मेंबर एहसान और ये छोटा जा रहा है अपने साथ, चलो चलते हैं। तो अभी हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं, अभी हम हनान का वेट करें, हनान आ रहा है, तो अब चलते हैं सीधा दरिया वाली साइड। तो ये हमारा भाई, कल मैं इससे मिला नहीं पाया क्योंकि इसने पता क्या मुझे बोलता, तू मुझे लेने आगे पहुँचा, आगे इसने पूरी पलटन मिलाई थी, मौलवी साहब भी पहुँचे हुए थे, एक और भैया पहुँचे थे, तो फिर मैंने इसको बहाना मारा, मुझे थोड़ा काम में, मैं उस साइड से घूम के वापस निकल आया, फिर ये मेरे को घर के पास आके मिला। तो भैया और ये बकरियाँ चारने आए थे यहाँ पे। तो हम अपनी बेस्ट लोकेशन पे आ चुके हैं, यहाँ पे अभी कुछ लड़के नहा रहे हैं, हमने नहाना वहाना कुछ नहीं, हम बस बैठेंगे यार कुछ टाइम तक, फिर यहाँ से वापस जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कितनी सारी भेड़ बकरी हैं, भाग रही है हमसे। तो आप इसकी एक बार सीन चेक करो कैसे हैं। तो किस किस को ये लोकेशन देख के अगर कुछ याद आ रहा है ना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, तो फिर मुझे पता लग जाएगा कौन कौन हमें बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। पता कौन सी लोकेशन? ये वाली, ये जगह, यहाँ पे कुछ खास था, ठीक है बता देना आप, ठीक है बाकी कमेंट में। तो यहाँ पे अच्छे से हमने टाइम स्पेंड कर लिया, अब चलते हैं सीधा घर पे, क्योंकि मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, आपको पता है व्लॉग मैंने आज अपलोड करनी है, 2 दिन हो चुके हैं, परसों अपलोड किया लास्ट। तो बाकी अगर आपको व्लॉग पसंद आई है ना, बस एक काम कर देना, लाइक कर दो या फिर कमेंट कर दो, आपकी मर्जी है। तो बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। तो रोज़ा था, दिन को ही हमारे साथ एक स्कैम हो गया, स्कैम ये था
मेरे को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, तो वो तो मेरे को बताता नहीं है नाम, तो बस इतना पूछता है पहचाना, सलाम वलाम करता है। तो मम्मा भी पीछे बैठे सुन रहे हैं, ये भी यहीं पे थे। तो बंदा मेरे को सलाम करता है, मैं बोलता हूँ वालेकुम सलाम, फिर वो पूछता है कि पहचाना, मैंने कहा नहीं, फिर बोलता है पहचानो पहचानो, मैंने कहा गुलजार भाई, क्योंकि कश्मीर में मेरा एक है कज़न है समझो, फ्रेंड ही है, तो मैंने वो बोला, बोलता हाँ मैं गुलजार ही हूँ। तो अब वो स्कैमर ने क्या किया था, उसने शायद फ़ोन पे मेरा नंबर डाला, वहाँ से मेरा नाम निकाला मोहम्मद समीर, तो उसको पता लगा मुस्लिम है, उस वजह से उसने सलाम की मेरे से, वैसे बात की, लेकिन मैं बड़ा ही परेशान हो गया। तो उसके बाद सुनो क्या हुआ, तो उसने बंदे ने मेरे को बात बात करके बोलता, समीर भाई किसी से पेमेंट लेनी है, तो मेरा फ़ोन पे रिसीव नहीं कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा रिसीव करने में क्या मसला, रिसीव कर लेंगे, तो अगर पेमेंट सेंड करनी होती फिर मैं उसको बोल देता, हाँ भाई नहीं चल रही है, मुझे लगता कोई यहाँ है कोई घोटाला। मैंने उसको कहा हाँ चल रहा है, तो फिर बोलता बंदे ने आपको पेमेंट रिसीव की, तो बंदों ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा पेमेंट का कि 20,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं HDFC बैंक से। तो सब कुछ करने के बाद मैं अकाउंट में मैंने 6 बार देखा, पैसे तो नहीं आए थे। वो मुझे बोलता है पेमेंट यहाँ से चलेगी, अब आप चेक करो फिर से। तो मैंने उसको कहा नहीं पेमेंट तो नहीं आई है मेरे पास। करते 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 फिर वो जो मेरे को बता रहा था अपना फ्रेंड गुलजार, तो उसने किसी को कॉन्फ्रेंस पे डाला, बोलता तो इनने पेमेंट डाली आप इनसे बात करो। वो बंदा मेरे को बाहर का लगा, UP या और कहीं का। तो फिर बंदा मेरे को बताता गया ऐसे करो, उसने एक मेरे को मैसेज भेजा था, मैसेज के नीचे एक होता है ना कुछ लिखते हैं मैसेज टाइप में, उसमें उसने लिखा हुआ था 20,000। तो उसने ये सोचा कि इसको लगेगा ये पेमेंट मैंने 20,000 डाली है, लेकिन हम भी थोड़े पढ़े लिखे हुए हैं। तो मेरे को पता लग गया कि ये इसने मैसेज किया है, ठीक है। तो वो जो मेरे को बोल रहा था ना कि आप यहाँ जाओ ऐसे करो ऐसे, वो मैंने सब कुछ किया, ये अब आपको आएगा तो स्क्रीनशॉट भेजो। मैंने उसको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया, तब तक मेरे को दिमाग नहीं चला बिल्कुल भी। लेकिन वो सब करने के बाद जब उसने, जब मैं कॉल पे उसको सेंड कर रहा था ना, तो मेरे अकाउंट में गया 400-500 भी थे, क्या ही लेता हमसे। तो जब मैं उसको सेंड कर रहा था ना, तब मेरे को थोड़ा सा शक हुआ, और मैंने वहाँ से उसकी पेमेंट कैंसिल की। मैंने जाके कज़न को जल्दी जल्दी जाके वो 400 रुपये सेंड कर दिए, मैं चलो 100 रुपये रखते अकाउंट में। तो वो करने के बाद, तो जब मैंने वो करने लगा ना उसको, तो वहाँ पे जब मैंने सेंड किए, वहाँ पे मुझे पता लगा वो पेमेंट तो गई नहीं, क्योंकि अकाउंट में थे नहीं। वो बोलते आप करो, आपके अकाउंट में आ गए होंगे, आपको शो नहीं हो रहे होंगे। तो वहाँ पे 100 रुपये ही थे। करते करते ना फिर मेरे को थोड़ा सा शक हुआ, तो मैंने कॉल कट की। तो फिर जब मैंने वो सोचा थोड़ा मैं क्या मसला होगा, तो वो बंदा फिर मैसेज भी नहीं रिसीव कर रहा था, और कॉल में उसको करता उठा नहीं रहा था। फिर मैंने वीडियो कॉल लगाई, वीडियो कॉल बार बार कट कर रहा था, और मेरे को सिर्फ इतना कॉल करके बोल था कि आप स्क्रीनशॉट भेजो। उसको लगा कि मैंने उसको पेमेंट डाल दिया, लेकिन पेमेंट मैंने नहीं डाली थी। तो मेरे को ये सब जब मैं बैठ के सोच रहा था ना, मेरे को बड़ा यार गुस्सा भी आ रहा था, और मैं हंस भी रहा था, मैं कैसे कैसे आजकल स्कैम चले हैं। तो चलो अब सबको मैं यही बोलता हूँ कि ऐसे किसी की कॉल रिसीव मत कर। तो बाकी मैं सबको बता देना चाहता हूँ, सतर्क रहो यार मेरी तरह। तो हमारे अकाउंट से कितने ही लेता, 100 रुपये ही रखा था मैंने, उसमें 400 किसी को सेंड कर दिए थे। तो चलो।